हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए अभिषेक राज को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक राज आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि SC VT से अगर हम कोर्स किए हुए हैं ITI, तो क्या मैं CITS का फॉर्म अप्लाई कर सकता हूं? तो इसके बारे में बताना चाहता हूं कि आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, आप लोगों का एडमिशन नहीं होगा। अगर किए भी होंगे तो आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो क्या करना चाहिए, ये भी है कि अगर SC VT हम किए हैं तो क्या मैं CITS को कभी नहीं करूँगा? ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक चीज़ करना होगा, आपको अप्रेंटिस करना होगा, और वो अप्रेंटिस किसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी में कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जाकर अप्रेंटिस कीजिए, इसके बाद आपको CITS कोर्स में एडमिशन मिलेगी। और निराश होने की जरूरत नहीं है। SC VT वाले हैं तो आप लग रहा हो आपकी हम नहीं किए, छूट गया फॉर्म ये साल, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जो फॉर्म होता है आप CITS कोर्स कर लिए, क्यों किए? इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। और जब इंस्ट्रक्टर बनना है आपको तो इसमें दो क्राइटेरिया होता है ना, पहले उसको आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। एक्सपीरियंस तो है नहीं आपके पास, अगर जो नए नए किए हैं तो जो मान लीजिए कि इस साल का जो पास आउट है और उसके बाद एक्सपीरियंस नहीं है, तो पहले वो एक्सपीरियंस ले ले 3 साल का। 3 साल अगर गैप होता है इसके बाद CTI कर रहा तो सही है, अगर गैप नहीं लगता इसके बाद CTI कर लिया तो उसको 3 साल और बैठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपीरियंस मिलने के बाद ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है इंस्ट्रक्टर बनने के लिए। तो हम मुझे मालूम है आप SC VT की यहाँ एक्सपीरियंस नहीं है, तो ये साल आप बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप एक्सपीरियंस लीजिए, अप्रेंटिसशिप कर लीजिए, इसके बाद अप्लाई कीजिएगा, आप एडमिशन हो जाएगा। इसके लिए कोई टेंशन नहीं लेना है। और बहुत सारी वैकेंसी आएगी, अभी हर साल आती है और आएगा ही। मैं जो पहले इसके पहले जो वीडियो बनाया हूँ उसमें यही मैं जिक्र किया हूँ कि बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है और बेनिफिट मिलेगा, और बस इतना ही। तो आप लोग निराश मत होइएगा प्लीज़, और अप्रेंटिसशिप कर लीजिए और नेक्स्ट टाइम आप फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, आपका ज़रूर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बस यही इन्फॉर्मेशन आपको बताना था। और जो CITS कोर्स कर रहे हैं या जो फॉर्म अप्लाई किए हुए, एग्ज़ाम है उन लोगों का 30 मई को, उन लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, और मुझे उम्मीद है आप लोग पास होंगे, सबका एडमिशन हो जाएगा। थैंक यू सो मच।